मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप सिर्फ 5 मिनट का समय निकाल करके ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है, रिक्वेस्ट है, सिर्फ 5 मिनट निकाल करके। बहुत ही आवश्यक सूचना बताने वाले हैं, हमारी इस चैनल से संबंधित, आपकी परीक्षाओं से संबंधित, जो भी आपकी परीक्षाएं आ रही हैं उससे रिलेटेड हमारी आगामी रणनीति क्या है, क्या मैंने प्लान किया है, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। पूरी हमारी रणनीति को समझिएगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा और उसमें आपको हमें सहयोग भी करना है, ठीक है, तभी हम लोग इस रणनीति को फॉलो कर पाएंगे और आपकी परीक्षा को हम पास करा पाएंगे, ठीक है। 2 परीक्षाएं बल्कि 3 परीक्षाएं आ रही हैं, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और PCS की प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। यानी कि अगस्त में आपकी खंड शिक्षा अधिकारी, सितंबर में समीक्षा अधिकारी और अक्टूबर में PCS की, यानी कि तीनों परीक्षाएं एक साथ लगी हुई हैं। हर महीने कोई ना कोई परीक्षा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तीनों परीक्षा दे रहे हैं, कुछ लोग 2 दे रहे हैं तो कुछ लोग 1 दे रहे हैं, ठीक है। यानी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो कोई ना कोई परीक्षा अवश्य दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम जल्दी ही लखनऊ पहुंचने वाले हैं, लखनऊ शिफ्ट होने वाले हैं। वहां पर हमारी क्या रणनीति होगी, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा, मेरा सहयोग करिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारी रणनीति यह है कि मैं एक बनवाने जा रहा हूं ऐप, ठीक, एक एप्लीकेशन जो आप मोबाइल देखते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल होते हैं, हम एक एप्लीकेशन, एक ऐप बनवाने जा रहे हैं और इस ऐप को बनवा करके इसमें काफी खर्चा आ रहा है, ठीक है, बताएंगे फिर किसी दिन, काफी खर्चा आ रहा है। तो उसको बनवा करके इसमें क्या होगा कि जो भी चीजें हमारी चैनल पर उपलब्ध हो रही हैं, चाहे वो नोट्स हो, वीडियो हो, टेस्ट सीरीज हो, सारा कुछ आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगा, ठीक है। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और सब कुछ आपको इसमें एवरीथिंग A to Z मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य ऐप को बनवाने का है वो है टेस्ट सीरीज, ठीक है। हम खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए और PCS के लिए, तीनों के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज प्रारंभ करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि खंड शिक्षा अधिकारी में GS के प्रश्नों की संख्या होगी 120, ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 300 नंबर के होंगे, ठीक है, जबकि समीक्षा अधिकारी में प्रश्नों की संख्या होगी GS में 140, जो कि 140 नंबर के होंगे, और PCS में जो GS के प्रश्न होंगे वो होंगे 150 200 नंबर के होंगे, ठीक है। तो तीनों का देखिए पैटर्न अलग है, 120 प्रश्न, 140 प्रश्न और 150, ठीक है। तो एक ही सीरीज से काम नहीं चल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम का फाउंडेशन होगा, विद इन टाइम आपको हल करना होगा, कितने आपने प्रश्न सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, ये भी आपको कैलकुलेट के सब कुछ करके बताया जाएगा, ठीक है। चूंकि समीक्षा अधिकारी 2016 वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें कॉपी उस तरीके से चेक की जाएगी, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी में और PCS में नेगेटिव मार्किंग होगी तो उसमें कॉपी उस तरीके से चेक की जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका टोटल स्कोर, आपने प्रश्न कितने सही किए हैं, ठीक है, इस ऐप की यही खासियत होगी कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं, प्लस माइनस को काट करके आपका फाइनल स्कोर कितना आया है, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ऐप को डिजाइन करवाया है, उस पर वर्क चल रहा है, जल्दी बन जाएगा, आप लोग को जल्दी खुशखबरी दी जाएगी कि ऐप बनकर आ गया है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है, आप लोग की जो डिमांड है, हमारा भी जो है एक टारगेट है कि आप लोगों को 100 अधिकारी बनाएं, हम इस चैनल से 100 अधिकारी निकले इन तीनों परीक्षाओं के माध्यम से। तो ये कैसे होगा, उस पर हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी होगी, मुझे भी और आपको भी, ठीक है। मैं अपने स्तर से कर रहा हूं, आप अपने स्तर से करिए, ठीक है। मैं जो भी कर सकता हूं, जो भी हमारे अनुभव, जो भी एक्सपीरियंस है और जो भी हमारी टीम है जो बताती है हमको, जो हमारा थिंक टैंक है जो बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए तो सफलता जल्दी मिलेगी, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको पढ़ाई करना है, आपको जो बताया जाता है वो आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो टेस्ट सीरीज चलाना हमारा मेन मोटो है, इसके लिए हमने बनवाया है एप्लीकेशन, ठीक है। अब हमने ये आवश्यक सूचना इसलिए बताई है, ठीक है, चूंकि हम जल्दी ही प्रयागराज से लखनऊ जाने वाले हैं, ठीक है। तो लखनऊ में, लखनऊ शहर में या लखनऊ के आसपास जो लोग भी रहते हैं, ठीक है, हमें क्या है, हमें कुछ लोगों की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, कुछ लोगों की, हमें कुछ लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। कैसे लोग हों वो, हमें लोग ऐसे चाहिए जिन्होंने कम से कम 2 मेंस दिए हों, ठीक है, कितने मेंस, 2 मेंस दिए हों, चाहे PCS का चाहे IAS का, ठीक है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिन्होंने कम से कम 2 मेंस दिए हों, अधिक कितने भी दिए हों, ठीक है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। किस लिए, क्योंकि GS के क्या बनाएंगे, वो क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, GS की जो टेस्ट सीरीज हमारी होगी वो क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें जो है जितने भी लोग हैं, 4, 5, 6, 8, 10 लोग हैं, काफी लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है।
खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, ठीक। चूंकि सबका पैटर्न अलग है, सबका लेवल अलग है, ठीक है। अब ये लोग जो हैं, जो लोग हैं वो क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे जीएस के, ठीक है। फिर हमारी जो टीम है वो क्या करेगी, इन क्वेश्चन को चेक करेगी, ठीक है, कि क्वेश्चन वास्तव में रखने लायक है कि नहीं है, कहीं रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ होगी इसमें कोई भी रिपीटेड प्रश्न नहीं आएगा, हर प्रश्न ऐसा होगा जो कि अपने आप में नया होगा, ठीक है। प्रश्न के साथ उसकी व्याख्या भी होगी आपकी, ठीक है। हर प्रश्न नया होगा, कोई भी रिपीटेड नहीं होगा। प्रश्न जो ये लोग हमको बना करके देंगे वो हमारी टीम चेक करेगी। इसके बाद टीम चेक करने के बाद क्या होगा, मैं उसको सेल्फ, मैं खुद से चेक करूंगा इसको, इसके बाद ये सीरीज बनेगी, ठीक है। तो तीन स्टेप पर ये सीरीज चेक होगी, इसके बाद जाकर के बनेगी और वो आपको सीरीज मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि ये लोग बनाएंगे, हमारी टीम चेक करेगी, दो स्तर हो गए और तीसरा स्तर होगा जो कि मैं डिसाइड करूंगा, मैं फाइनल करूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन वास्तव में सीरीज में रखे जाने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सीरीज को डिजाइन किया है। तो हमें क्या है, कुछ लोगों की आवश्यकता है जो लखनऊ के हो, लखनऊ के आसपास के हो, लखनऊ में आ सकते हो, रह सकते हो, वहां पर हमको क्वेश्चन बना के दे सकते हो, ठीक है, वो उनको उनकी आवश्यकता है। साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी के लिए हम हिंदी की भी टेस्ट सीरीज आपको चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी में हमें क्या करना है, आपको कम से कम 57 से 58 प्रश्न आपके सही करवाने हैं, ठीक है। कम से कम जब 57 से 58 प्रश्न सही होंगे, चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और कोशिश अगर आप करेंगे ना तो 60 के 60 सही होके आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी कोशिश की आवश्यकता है, 60 में से आपके 60 सही होंगे, ठीक है, कम से कम 58 तो सही होने चाहिए। तो इसके लिए हम हिंदी की भी टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं। इसलिए जिन लोगों की हिंदी पर पकड़ अच्छी है, ठीक है, जिन लोगों ने हिंदी में यूजी या पीजी किया है, या फिर जिस नहीं भी किया है, जिसकी हिंदी पर पकड़ अच्छी है, उसे लगता है कि हिंदी हमारा विषय स्ट्रांग है, हम सीरीज बना सकते हैं, तो हमें हिंदी के लिए भी कुछ लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। चूंकि हमारी सीरीज क्या होगी, यूनिक होगी, सबसे डिफरेंट होगी, जितने भी लोगों ने आज तक ऑनलाइन ऑफलाइन सीरीज चलाई है उन सबसे डिफरेंट होगी, सबसे अलग होगी, ठीक है, और उस स्तर की होगी जिस स्तर की पीसीएस में पूछी जाती है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हो, ठीक है। आप देख रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी और पीसीएस का थोड़ा सा लेवल कम ज्यादा होता है, उस लेवल को कम ज्यादा कैसे किया जाए, मार्जिन कैसे दिया जाए, इन चीजों को कैसे किया जाएगा, उसके लिए मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सभी परीक्षा दिया है, पिछले 8-10 साल से लोक सेवा आयोग से जुड़ा रहा हूं, अनुभव इन चीजों का कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, लोअर पीसीएस में प्रश्न कैसा आता है, समीक्षा अधिकारी में कैसा आता है, खंड शिक्षा में कैसा आता है, पीसीएस में कैसा आता है, ये सारी चीजें मुझे पता है, ठीक है। तो ये लोग भले ही क्वेश्चन बना के देंगे, लेकिन इनकी जो फिल्टरिंग है ना वो हमारी टीम करेगी और मैं स्वयं करूंगा, इसके बाद वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो भी सीरीज होगी एकदम से सबसे हटके होगी, यूनिक होगी, एकदम से सबसे जबरदस्त होगी वो, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें जीएस के लिए लोगों की आवश्यकता है, हिंदी के लिए लोगों की आवश्यकता है, इतने लोग हमको चाहिए। साथ ही साथ क्या, अगर किसी व्यक्ति को हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आती हो, हिंदी और इंग्लिश, तो हमें एक हिंदी और इंग्लिश टाइपिस्ट की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ हमको एक कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी जिसको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज हो, ठीक है, वो यूट्यूब चैनल को भी चला सकता हो, ठीक है, और कंप्यूटर को भी चला सकता हो, एप्लीकेशन को चला सकता हो, ठीक है, यानी उसके उसको जो है कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानकारी हो, ऐसे भी एक व्यक्ति की आवश्यकता है, ठीक है। तो एक टाइपिस्ट चाहिए, एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, ठीक है, और ये जीएस बनाने जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं हिंदी के जो है जीएस के, और तो ये हमको कई लोग चाहिए, ठीक है। सबकी एक परफेक्ट और एक स्मार्ट सैलरी होगी, ठीक है, आप बिल्कुल कम मत आकेगा, मैं भले ही चैनल से कोई पैसा नहीं लेता हूं, लेकिन जो भी लोग ये क्वेश्चन बना करके देंगे या जो लोग ये टाइपिंग और जो लोग हम रखेंगे, ठीक है, तो सबको एक हैंडसम और स्मार्ट सैलरी दी जाएगी, ठीक है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मुझसे संपर्क आप कैसे करेंगे, तो मुझसे संपर्क आप ऐसे करेंगे कि जो वीडियो आप देख रहे हैं ना इसमें आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट में क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, अपने शहर का नाम लिखेंगे और अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, और अगर लखनऊ में है तो लखनऊ की लोकेशन लिखिए,
ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपको स्वयं कॉल करूंगा और आपसे पूछूंगा, आपके बारे में जानूंगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं और आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ठीक है। पैसे की कोई चिंता नहीं है, पैसे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो जो क्वेश्चन आप बनाएंगे, आप चाहें तो पूरे मंथली बेसिस पर हमारे यहाँ काम कर सकते हैं, आप चाहें तो क्वेश्चन के आधार पर, जितने आप क्वेश्चन बनाएंगे उसके आधार पर आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। फ्री में आपसे, मैं भले ही फ्री में पढ़ाता हूँ लेकिन आपसे फ्री में काम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको हम पैसे देंगे, ठीक है, और मैं भले ही फ्री में पढ़ाऊं लेकिन आपको फ्री में हम जो है कुछ भी काम नहीं आपसे लेंगे। तो जीएस के लिए हमें लोग चाहिए, हिंदी के लिए चाहिए, एक टाइपिस्ट चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, इतने लोगों की आवश्यकता, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो, मैं कोई एतराज नहीं है, मेल फीमेल दोनों चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, अपनी लोकेशन लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, मैं आपको कॉल करके संपर्क करूंगा और आपसे पूछूंगा कि आप जो है कितने इच्छुक हैं, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपसे हम कुछ क्वेश्चन भी बनवा करके लेंगे, ठीक है, कि आपके जो है व्हाट्सएप पे या किसी माध्यम से हम मंगा लेंगे, देखेंगे आपने किस तरीके से बनाया, ठीक है। तो ये है हमारी फिलहाल की रणनीति, ठीक है, और ये सारी चीजें एप्लीकेशन के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर जो है सीरीज यहाँ पर देना मुश्किल है थोड़ा सा, तो इसके लिए हमको ऐप जनरेट करवाना पड़ रहा है, ऐप बनवा रहे हैं, ऐप पर काम चल रहा है, जल्दी बनकर के तैयार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा ऐप बनवाया है, पर सारी चीजें आपको वहां पर एकदम एक ही छत के नीचे, ठीक है। जैसे अभी आपको भटकना पड़ता है ना, तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करिए मोबाइल में, सारे वीडियो क्रम से विषयवाइज, मतलब जो है सारे एकदम ए टू जेड मिलेंगे, जो भी नोट्स वगैरह है ना वो सारे आपको वहीं पर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज है और जो भी मटेरियल है सारा कुछ आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग मेरा सहयोग करिए, जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा इच्छुक हैं क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, आपका भी तैयार होगा, साथ में आपको पैसे भी अर्न होंगे और हमारा सहयोग भी हो जाएगा, ठीक है। चूंकि देखिए मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आप मुझे सहयोग करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की जब तक सहायता नहीं हुई तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सपना क्या है, इस चैनल के माध्यम से टॉप 100 अधिकारियों को निकालना, ठीक है। 100 अधिकारी कैसे निकलेंगे, उसमें मेरा मार्गदर्शन रहेगा, आपका सहयोग रहेगा, दोनों लोग मिलकर के जब कोई काम करेंगे तभी हम यहाँ चैनल से 100 अधिकारी बना करके निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए, नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।